हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा अब लोकसभा चुनाव में गूंजने लगा है और विरोधी दलों के नेता लगातार केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। यमुनानगर में बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वकीलों को संबोधित करते हुए हरियाणा में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और कहा कि पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी की ऐसी गर्त में धकेल दिया है जहां पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में चला जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में चले जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, खाली जगह पड़ी हॉस्टल खाली पड़ी है। इस किस्म की परिस्थिति है ये, आप सोच रहे हैं कि हरियाणा का हिस्सा आज जो है 2 लाख जो है 2 लाख पक्की नौकरियां खाली हैं। ये तो मेरे मोटा मोटा आपको यह कुछ समय मेरे को आगे भी जाना है, ये मोटी मोटी बात आपको मालूम भी होगा। अब आ जाओ वकीलों की सवाल, हमने पॉलिसी बनाई पहले तो वकीलों का वो जो हाईकोर्ट में पैसा होता है ना जो गवर्नमेंट उनका हेल्प करने के लिए वो फंड होता है वेलफेयर फंड, उसमें हमने शुरू करवाया, करोड़ों रुपए हमने दिए। फिर हुड्डा में ब्रॉड अलॉटमेंट में आपकी फैटर्निटी से आदमी, मेरे को मालूम है वकीलों की क्या समस्या है, खासतौर पर जो नए वकील हैं जवान आते हैं जो एस्टेब्लिश हैं उनके तो अपने मकान हैं, नए वकील जो आते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात होती है ताकि प्लॉट हो या अलॉटमेंट हो अपना मकान बना सके। भाई वकील और डॉक्टर वो ऐसे प्रोफेशन है कोई आसानी से अपना मकान किराया नहीं देता। ये मैं भी तो वकील है यही बैठा रहेगा सारी, ये तो डॉक्टर है यही प्रैक्टिस कर रहा है सारी। तो इस वास्ते भी ये पॉलिसी बनाई थी कि भाई जाए एस्टेब्लिश करें अच्छे मकान करें, कोई भी समस्या होती है समाज में सबसे पहले अपने वकील के पास आता है, तो ये मेरे ये हो। और उन्होंने वो भी रद्द कर दी, कोई भी मतलब ऐसा नहीं वेलफेयर फंड के भी पूरे पैसे नहीं दे रहे वहाँ हाईकोर्ट में। तो इस प्रकार से किसी की भी एक भी अचीवमेंट ये नहीं बता सकता कि हमने ये किया है। कहीं कर्जा जैसे जवान जी ने बताया 4.5 लाख करोड़ कर्जा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने बार एसोसिएशन के वकीलों से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने वकीलों को मकान देने के लिए पॉलिसी बनाई थी, वेलफेयर फंड भी बनाया था, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही उस पर बैन लगा दिया गया। हुड्डा ने वकीलों को फिर से सरकार आने पर मकान देने का वादा किया और बताया कि मौजूदा भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।